हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 4.3। सो लेट्स स्टार्ट। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है, इस वर्कशीट में आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। तो आपको इन इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। इससे पहले जो हमने वर्कशीट की है 4.1 और 4.2, उसमें हमने क्या किया था कि जैसे कोई इक्वेशन आपके पास गिवन होती है तो हम क्या करते हैं कि जैसे सपोज को यहाँ पे 5/2 एडिशन में है तो हम उस तरफ ले जाके, यानी कि दोनों तरफ क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस के 5/2 कर देते हैं। लेकिन जो 4.3 है, हम इसमें सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोजिंग मेथड। किस तरीके से करते हैं मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सपोज यू हैव गिवन एन एग्जाम्पल लाइक दिस, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 4। क्लियर, आपके पास ये एग्जाम्पल गिवन है कि x प्लस 2 इज इक्वल टू में क्या दिया गया, आपको 4 दिया गया है। तो अगर हम बेसिकली सिंपल बात करते हैं 4.2 के, हमने जैसे किया उसके तरीके से करें, तो हम क्या करते थे कि यहाँ पे क्या है, एडिशन में क्या है 2, तो हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते थे बोथ साइड थ्रू 2। ठीक है, तो ये क्या बन जाता था आपके पास, x प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू में 4 माइनस 2। देन हम इसे क्या करते थे, सॉल्व करते थे, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज 2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ ट्रांसपोजिंग मेथड की, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, यही क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, x प्लस 2 इज इक्वल टू में क्या है 4। तो अब बिल्कुल प्रोसेस सेम ही रहेगी, बट हम यहाँ पे जैसे राइट डाउन करते हैं ना, 2 सब्ट्रैक्ट किया बोथ साइड, हम ऐसे ना लिख के डायरेक्ट क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। जैसे ये प्लस का 2 है, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये प्लस का 2 है तो वहाँ जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई में होता तो दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाता है, डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाता। तो आपको इतना ध्यान रखना है। तो अब देखिए, हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रांसपोज 2 टू राइट साइड, या फिर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। क्लियर, तो ये क्या बन जाएगा, अब x इज इक्वल टू 4, अब 2 यहाँ पे प्लस का है तो ट्रांसपोज के बाद क्या बन जाएगा, ये ट्रांसपोज के बाद माइनस का बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 इज 2, सो 2 इज़ योर आंसर। अब देखिए दोनों मेथड को मैं चेक करती हूँ तो आंसर दोनों में ही सेम है। तो इससे क्या है कि थोड़ा सी प्रोसेस लंबी हो जाती है, इससे क्या है, हम डायरेक्ट फटाफट से सॉल्व करते हुए चलेंगे। क्लियर, तो हम इसकी जो वर्कशीट है 4.3, इसका पहला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन दिखाई दे रही है, 2y इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 37/2। अब ट्रांसपोज मेथड से करेंगे तो आपने ध्यान रखना है कि पहले हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, देन जो वेरिएबल के साथ मल्टीपल में है उन्हें हम सॉल्व करेंगे, या फिर डिवीजन में है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 5/2 कैसा है, प्लस में है। जब ट्रांसपोज मेथड अप्लाई करेंगे तो ये 5/2 क्या हो जाएगा, इक्वल में जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने पहले 2 लेके जाना है देन 5, नो, आप इसे कंप्लीट एज ए नंबर, होल नंबर मान के चलेंगे। तो कंप्लीट लेके जाएंगे, ये पॉजिटिव है तो वहाँ जाके कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। सो 2y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 37/2, और ये 5/2 कंप्लीट यहाँ आएगा, पॉजिटिव है तो इधर आगे कैसा हो जाएगा, माइनस के 5/2। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। अब देखिए जब डिनोमिनेटर क्या हो, सेम होता है, तो हम जस्ट क्या करते हैं नंबर्स को, अब एडिशन है तो ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो 37-5, सो दिस बिकम नाउ 37-5 इज 32/2। सो 2y इज इक्वल टू में क्या आ गया, 32/2। अब देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 2 2 1 2, 2 6 12। सो 2y इज इक्वल टू में कितना आ गया, 16 आ गया। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, देखिए यहाँ पे 2y इज इक्वल टू में 16 आ गया। अब देखिए y सिंपल हमें चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो आप देखिए ट्रांसफर मेथड से करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो वहाँ पे जाके कैसा हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 16/2। सो योर आंसर विल बी 2 1 2 2 8 16। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू 8। क्लियर, तो इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट बी की, 5t + 28 इज इक्वल टू 10। ये जो ट्रांसपोज मेथड है आपका, वो टाइम बचाता है एज़ कम्पेयर टू जो हमने मेथड लास्ट टाइम किया है कि वो साइड एडिशन करना, वो साइड सब्ट्रैक्शन करना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। तो 5t + 28 इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 28 कैसा है, प्लस का है, तो ट्रांसपोज मेथड से करेंगे तो 28 वहाँ जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सो 5t इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 10 - 28। ध्यान रखना है आपको, जिस नंबर को आप मूव कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, उसी का साइन चेंज होगा, दूसरे नंबर का चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ इस तरीके से लिख देते हैं ना कि 28 - 10, तो वो गलत हो जाता, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, आप 5t - 10 - 28 करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 18 बचेगा, और कौन सा साइन आएगा, जो नंबर बड़ा है, बड़ा कौन सा है इसमें, 28। सो 5t इज इक्वल टू में कितना आ गया, माइनस का 18। अब देखिए जो 5 है
वो कैसा है मल्टीप्लाई में है तो वहाँ पे जाके कैसा हो जाएगा ये डिवाइड में, तो माइनस 18 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 5। सो दिस इज़ योर आंसर। नाउ मूव करते हैं पार्ट सी की तरफ। सी में क्या है, ए अपॉन 5 + 3 इज इक्वल टू में क्या दिया गया है आपको 2 गिवन है। तो यहाँ पे आपने अगेन देखना है 3 कैसा है, प्लस का है, तो ट्रांसपोज मेथड से करेंगे तो 3 वहाँ पे जाके कैसा हो जाएगा माइनस का। सो ए अपॉन 5 इज इक्वल टू में 2, 3 कैसा है प्लस का, तो इधर जाके कैसा हो गया माइनस का हो जाएगा। सो ए अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 - 3 यानी माइनस का क्या बचेगा 1। अब देखिए ए के मल्टीपल में क्या है 1/5 है, या हम कह सकते हैं कि ए किससे डिविजिबल है 5 से, तो हम बोथ साइड क्या कर देंगे, अब मल्टीप्लाई करते हैं ना पहले वाले मेथड से, तो इसमें डायरेक्ट क्या होगा डिवीजन में है, तो वहाँ पे सामने वाले नंबर पे क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई होके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये डिवीजन में है तो क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई में। सो ए इज इक्वल टू में क्या हो गया -1 × 5। सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -5। देखिए काफ़ी स्टेप रिड्यूस कर रहा है ये आपके और टाइम भी काफ़ी सेव हो रहा है। नेक्स्ट है पार्ट डी, क्यू अपॉन 4 + 7 इज इक्वल टू में कितना है 5 गिवन है। अगेन हम यहाँ पे प्लस का 7 है तो सामने लेके जाएंगे, जब राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस का क्यू बाई 4, तो ये क्या बन जाएगा 5, प्लस का 7 है तो कैसा हो जाएगा माइनस का 7। सो क्यू बाई 4 इज इक्वल टू 5 - 7 इज क्या आ जाएगा -2। अब देखिए 4 यहाँ पे डिविजिबल में है तो ट्रांसपोज मेथड से क्या होगा डिविजिबल की वैल्यू सामने जाके क्या बन जाएगी अब, यानी कि राइट हैंड साइड में जाके कैसी हो जाएगी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगी। सो क्यू इज इक्वल टू में -2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 4। सो क्यू इज इक्वल टू -2 × 4 इज -8। सो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको मेथड अब समझ में अच्छे से आ चुका होगा, अगर आपको आ गया है तो बहुत ईजी लगने वाले हैं क्वेश्चंस बाकी आपको। सो 5/2x इज इक्वल टू में क्या दिया है -10 दिया है। तो अब इस नंबर में एक ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इस डिवाइड वाले नंबर को पहले ले जाके मल्टीप्लाई में कर दें, या फिर मल्टीप्लाई वाले नंबर को जाके डिवाइड में कर दें। ऐसा ना करके आप क्या करें, आप इसे कंप्लीट एक सिंगल नंबर मानिए, ठीक है। इससे क्या होगा देखिए, अगर मैं इसको मानती हूँ 5/2x है, ठीक है, तो इक्वल में जाके, अब ये मल्टीप्लाई में है ना, तो वहाँ जाके कैसा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, वहाँ पे जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। मेथड सेम ही रहेगा, बस ये थोड़ा सा आपका टाइम सेव करेगा। तो आप देखिए जब भी नंबर मेथड एक याद करना है आपने, a अपॉन बी अपॉन में c अपॉन डी जब भी होता है तो ये क्या बन जाता है a अपॉन बी, जो नीचे वाली वैल्यू है जस्ट क्या हो जाती है रिवर्स हो जाती हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अब 10/1 लेट कर सकते हैं, तो 10/1 हो जाएगा और ये क्या बन गया नंबर 2/5। क्लियर, समझ में आया आपको, ये आपको ध्यान रखनी है वैल्यू, जब भी किसी नंबर के नीचे हम इस तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट लिखते हैं तो वो जस्ट रिवर्स हो जाता है जब हम इन्हें मल्टीप्लाई के फॉर्म में राइट डाउन करते हैं। सो 5 × 5, 5 × 2 = 10। सो -2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 2 से, सो योर आंसर विल बी -4। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पार्ट एफ की, 5/2x इज इक्वल टू में कितना दिया है आपको 25/4। अगेन हम इसको लेट करेंगे एक सिंगल नंबर यानी होल नंबर लेके चलेंगे, मल्टीप्लाई में है तो इक्वल में जाके ये कैसा हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे राइट डाउन करेंगे 25/4 और जो नीचे वाला नंबर है जस्ट क्या हो जाएगा रिवर्स। सो 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, अगेन 2 × 1 = 2 and 2 × 2 = 4। सो 5 × 1 = 5 and 2 × 1 = 2। सो एक्स इज इक्वल टू 5/2 इज योर आंसर। सो नेक्स्ट पार्ट जी पार्ट, 7m + 19/2 इज इक्वल टू में 13। अब देखिए 19/2 यहाँ पे कैसा है एडिशन में है तो सामने जाके कैसा हो जाएगा ये सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 13 माइनस में क्या आ जाएगा 19/2। अब देखिए जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या तो हम डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे या फिर क्या करते हैं दोनों का डिनोमिनेटर क्या करते हैं सेम करते हैं, और डिनोमिनेटर सेम कैसे होता है, सेम ही नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर से ही हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7m हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना चाहिए सेम करने के लिए 2 चाहिए, अगर मैंने इसे 2 से डिवाइड किया है तो 2 से ही क्या कर दूंगी मल्टीप्लाई, तो माइनस के क्या हो जाएगा 19/2। सो 7m इज इक्वल टू 13 × 26/2 माइनस में क्या हो गया 19/2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, अब देखिए डिनोमिनेटर क्या है दोनों के सेम है तो जस्ट नंबर क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो 26 - 19 = 7। सो नाउ 7m इज इक्वल टू 7/2। अब देखिए 7 क्या है मल्टीप्लाई में है तो सामने जाके क्या हो जाएगा ये, ठीक है, डिवाइड में हो जाएगा। सो 1/7, 7 से 7 कैंसिल आउट, सो योर आंसर इज 1/2। क्लियर। सो नेक्स्ट पार्ट इज 6z + 10 इज इक्वल टू -2। सो अगेन देखिए यहाँ पे प्लस के 10 है तो इक्वल जाके कैसे हो जाएंगे इक्वल टू, जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो ये कैसे बन जाएंगे नेगेटिव नंबर बन जाएगा, ठीक है। सो 6z इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा -2 एंड प्लस के 10 कन्वर्ट टू
माइनस टेन। सो सॉल्व कर लेते हैं, सिक्स जेड इज इक्वल टू माइनस के ही टू है, माइनस के ही टेन है, तो नंबर ऐड होंगे लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। अब देखिए सिक्स क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे जाके कैसा हो जाएगा, डिवाइड में। सो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ट्वेल्व अपॉन सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, सो जेड इज इक्वल टू माइनस टू। जल्दबाजी मत कीजिएगा आंसर लिखने में, आपने ध्यान रखना है कि साइन भी है उनके साथ, प्लस का है या माइनस का है, ध्यान रखना है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है थ्री अपॉन टू एल इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री। अब देखिए इसको हमने क्या एलर्ट करना है, कंप्लीट नंबर। सो एल इज इक्वल टू क्या बन गया, टू अपॉन थ्री, अपॉन में क्या है थ्री अपॉन टू, सॉल्व कर लेंगे। टू अपॉन थ्री नीचे वाला नंबर रिवर्स हो जाएगा, तो बिकम इट्स बिकम थ्री सॉरी टू अपॉन थ्री। नाउ एल इज इक्वल टू कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो जस्ट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, टू टू ज़ा फोर एंड थ्री थ्री ज़ा नाइन। सो एल इज इक्वल टू फोर अपॉन नाइन इज योर आंसर। सो दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज नंबर 4.3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।